रहीम ओके दिस इज़ यूनिट नंबर 12 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 12.1 जो कि कैलकुलेटर से होने वाली एक्सरसाइज है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपको आंसर, जिसमें आप एंगल इसी तरह से एंटर कर सकते हो, कुछ कैलकुलेटर्स इस तरह के भी होते हैं, लेकिन मैं उस तरह ही बताऊंगी कि जिनके पास ये वाली फैसिलिटी नहीं है कि उनके कैलकुलेटर्स इतने अपडेटेड हैं तो उन्होंने किस तरह से करना है। आपने सबसे पहले जो है ना इस एंगल को पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, यानी कि 53 डिग्री, ठीक है, इसको पूरा डिग्री में करना है ना आपने, तो मिनट वाली वैल्यू को आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो पॉइंट्स में आएगा, यानी कि इस तरह से 53 + 40/60 तो आपके पास वैल्यू आती है 53.66, ठीक है, ये बनता है 53.66 या 67 कर दो क्योंकि उसकी अगली वैल्यू भी 6 है, राउंड ऑफ कर दो। लेकिन स्टिल कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें आप इतना भी एंटर नहीं कर पाते, तो वो क्या करेंगे, वो पहले 40/60 करेंगे, यानी कि 40/60 जो भी आंसर आएगा उसमें आप 53 ऐड कर दोगे। और ये बटन होता है कि आप फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, तो वही आंसर आपके पास आएगा। तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा, फिर इसमें ये वैल्यू ऐड करनी होगी। अब सिंपल आपने क्या करना है, साइन 53.67 की वैल्यू, ये रहा साइन 53.67, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 0.8056, ठीक है, ये तरह सिंपल ही है। सिमिलरली ये करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप एंगल को कन्वर्ट कर लो, 42 + 38/60, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर इस तरह से एंटर किसी के कैलकुलेटर में नहीं होता तो पहले वो ये फ्रैक्शन सॉल्व करेगा और उसके बाद आप ऐड कर दोगे जो भी वैल्यू है आपके यहाँ पे, 42.63। अब मैं कैलकुलेटर पे ले लूँगी कॉस 42.63, ठीक है, तो आप सिंपल ऐड करो इसमें कॉस 42.63, तो आपके पास वैल्यू आ गई है 0.7357, ठीक है, ओके, नेक्स्ट। इसी तरह से कन्वर्ट कर लो इस एंगल को डेसिमल में, 35 + 34/60, तो ये आपके पास आ गया 35.57, ठीक है। अब हम 10 ले लेंगे 35.57 का, तो आपके पास आ गया 0.7151, राइट। अच्छा, कॉट वाला जो है ना, ये एक पार्ट है बुक में, लास्ट पार्ट, उसका आंसर बुक के पीछे ठीक नहीं है, होगा वो इसी तरीके से जैसे मैं ये वाला बताऊंगी, 33 + 50/60, ये आपके पास वैल्यू बनती है 33 + 50/60, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास बनती है 33.83। अब क्योंकि कॉट जो है वो आपके पास होता है 1/10, तो 10 33.83, ये चीज़। अब ये देखो, एक तो ये तरीका है कि आप पहले 1/10 की वैल्यू निकाल लो, वो लिखो, 1 को उस वैल्यू से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, फ्रैक्शन का बटन 1 ओवर टेन 33.83। तो मेरे पास आ रही है 1.4921। तो ये वैल्यू बिल्कुल ठीक आ रही है। वो जो एक पार्ट है ना, उसको हमने इस तरीके से किया था, आंसर बुक वाला नहीं आ रहा था, तो यानी कि वो बुक के पीछे गलत है। ये मेथड आपका बिल्कुल ठीक है, इस पार्ट का आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बाकी के पार्ट्स इसी तरह से होने वाले। मैंने यूँ लिया है कि एक साइन ले लिया, एक कॉस ले लिया, टैन ले लिया, कॉट, चारों तरह का क्वेश्चन ले लिया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपने फाइंड आउट करना है थीटा। थीटा फाइंड करने के लिए साइन को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाओ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स दिस वैल्यू, शिफ्ट साइन इनवर्स 0.5791, ये आपके पास वैल्यू आ गई 35.39। थीटा की वैल्यू आ गई 35.39 डिग्री डाल दें, नहीं हाँ इसके ऊपर डिग्री आएगी, लेकिन आपने इसको मजीद डिग्री मिनट और सेकंड वाली फॉर्म में लेकर आना है। 0.39 × 60 ये है 23.4, तो मैं इसमें से 23 को मिनट कह दूंगी और 0.4 को मल्टीप्लाई बाय 60, 24 सेकेंड्स। अच्छा जी, उसके बाद थीटा कॉस इनवर्स 0.5257, तो शिफ्ट कॉस के ऊपर कॉस इनवर्स है, उसमें वैल्यू एंटर करो 0.5257, ये आपके पास वैल्यू आ गई है 58.28, यानी थीटा आ गया 58.28 डिग्री। अब इसको मजीद आप वो डेसिमल मिनट और सेकंड में कर दो, 0.28 जो है 0.28 × 60 16.8, यानी कि 16 मिनट, और इस 0.8 को अगेन में 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी सेकंड्स की, ठीक है। अच्छा जी, थीटा टैन इनवर्स 21.943, हाँ जी टैन इनवर्स 21.943, ये आपके पास आ गया 87.39, थीटा की वैल्यू आ गई 87.39 डिग्री, इसे हम कहेंगे 87 डिग्री। 0.39 को मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे 23.4 को मिनट कह देते हैं, 0.4 × 60 24 सेकेंड्स, ठीक है। तो सिंपल, ये तो सिंपल ही था थीटा फाइंड करने के लिए, आपको इनवर्स, वो इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स में वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा, उसको डेसिमल मिनट और सेकेंड में आंसर देना। और ये भी सिंपल ही था, जो आपको एंगल दिया हुआ है उसको पहले डेसिमल में करो और उसको वैल्यू के निकालो, कुछ कैलकुलेटर्स में डायरेक्ट भी ऐड हो जाएंगे ये वाली वैल्यू। लेकिन बात ये होती है कि 2 मार्क्स का आपके पास होता है ना शॉर्ट, तो कम से कम 2 स्टेप तो आपको करने चाहिए। ऐसा भी ना करें कि आप बिल्कुल वैल्यू को कैलकुलेटर में ऐड करके तो डायरेक्ट आंसर लिख दें, ठीक है। तो 2 स्टेप्स तो होने चाहिए, उनको पता चले कि आपने वर्किंग करके आंसर निकाला हुआ है। पहले एंगल को आप डेसिमल में चेंज करो, फिर वो पुट करके आंसर निकालो, ठीक है। तो ये यहाँ पे बस ये 12.1 जो थी ये इतनी ही है।